राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए हैं, मेरी आवाज बंद नहीं करा सकते, साथ ही अडानी के रिश्ते को लेकर भी सवाल किया है। मैं शांत नहीं बैठूंगा, राहुल गांधी ने बयान दिया है, मैं देश हित में आवाज उठाता रहूंगा, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, मैंने बार बार कहा कि मुझे बोलने दीजिए लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने मोदी को करारा जवाब दिया है, जरा सुनिए। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से, और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ, सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा।